Today I'm going to tell you about a fake engagement policy. As I already told you about the first three policies, and now today I'm going to tell you a fake engagement policy. Don't do it. The fake engagement is not allowed on YouTube. YouTube doesn't allow anything that artificially increases the number of views, likes, comments, or other metrics, either by using automatic system or serving up video to unsuspecting views. ऐसा कुछ भी ना करिए जो कि artificial ढंग से आपके views, likes, comments आदि को बढ़ाए. Also, content that solely exists to incentivize viewers for engagement. और incentive दे करके view, likes और comment अगर बढ़ाया है तो वो भी प्रोहिबिटेड है. आप किसी से परचेज करके लेते हैं तो वो भी प्रोहिबिटेड है. कंटेंट एंड चैनल दैट डोंट फॉलो दिस पॉलिसी मे बी टर्मिनेटेड एंड रिमूव फ्रॉम यूट्यूब. ऐसे चैनल यूट्यूब से रिमूव कर दिए जाते हैं. इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू हायर समवन टू प्रमोट योर चैनल, देयर डिसीजन मे इम्पैक्ट योर चैनल. तो आपका चैनल उससे इम्पैक्ट होता है. एनी मेथड दैट वायोलेट अवर पॉलिसीज मे रिजल्ट इन कॉन्टेंट रिमूवल और अ चैनल टेक डाउन, वेदर इट इज एन एक्शन टेकन बाई यू और समवन यू हैव हायर्ड. अगर आप किसी से प्रमोट कराते हैं चैनल और उसका चैनल पर इफेक्ट पड़ता है और अगर पॉलिसी वायोलेट होती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और आपका चैनल टेक डाउन, नीचे चैनल हटा दिया जाएगा. और चाहे आपने वो काम किया हो, चाहे जिससे हायर करके आपने प्रमोट कराया चैनल उसने किया हो. वी कंसिडर एंगेजमेंट टू बी लेजिटिमेट व्हेन अ ह्यूमन यूजर प्राइमरी इंटेंट इज टू ऑथेंटिकली इंटरैक्ट विद अ कंटेंट. और ऑथेंटिकली अगर वो इंटरैक्ट नहीं करता है कंटेंट को तो वो भी प्रॉब्लम करेगा. वी कंसिडर एंगेजमेंट इनलेजिटिमेटली फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट रिजल्ट फॉर कोरेक्शन एंड डिसेप्शंस और व्हेन द सोल पर्पस ऑफ एंगेजमेंट इन फाइनेंशियल गेन. और ऐसा आप तभी करिएगा जब आप फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ करते हैं, तो वो यूट्यूब पे अलाउड नहीं है. What this policy mean for you if you are posting content? अगर ऐसे content आप post करते हैं, fake content, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? Don't post content on YouTube if it's fit any of the description noted below. Link to or promote third party service that artificially inflate metrics like view, like and subscribe. अगर ऐसा कोई भी service third party है जो आपके views, likes और subscribe को बढ़ाता है तो वो गलत है. कंटेंट लिंकिंग टू और प्रमोटिंग थर्ड पार्टी व्यू काउंट ऑन सब्सक्राइबर गेमिंग वेबसाइट और सर्विस. अब आपके थर्ड पार्टी का काउंट सब्सक्राइबर गेमिंग वेबसाइट के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर आप, तो वो भी गलत है. ऑफरिंग टू सब्सक्राइब टू अनदर क्रिएटर्स चैनल ओनली इफ दे सब्सक्राइब टू योर चैनल. अगर सब फॉर सब करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है. You are allowed to encourage viewer to subscribe, hit the likes button, shares or leave a comment. आप viewers को encourage करते हैं कि ये सब करिए. Content featuring a creator purchasing their views from the third party with the intent of promoting the service. और सीधे आप अगर purchase कर लेते हैं अपने view को तो वो third party से, तो वो भी गलत है. Here are some example of content that not allowed on YouTube. A video testimonial in which the creator shows themselves successfully purchasing artificial page traffic for the third party. With third party से अपने traffic को purchase करते हैं. Video in which a creator link to third party artificial page traffic provide in a promotional or supportive content. For example, I got 1 million subscriber on this video in the day and you can too. जैसे आप उनको किसी को कहिए कि हमको 1 million subscriber आज मिले हैं और आप भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गलत है. आप इस तरह से नहीं कह सकते. Video that tries to force or trick viewers into watching another video through deceptive
mean. For example, misleadingly labeled into info card. और आप किसी के वीडियो को प्रमोट करने के लिए, वॉच करने के लिए कहते हैं तो वो भी गलत है. चैनल डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल चैनल एंगेजमेंट ट्रैफिक और प्रमोटिंग बिजनेस दैट एग्जिस्ट फॉर द सोल पर्पस. अपने बढ़ोतरी के लिए आप आर्टिफिशियल एंगेजमेंट ट्रैफिक का एंगेजमेंट करते हैं और किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए, तो वो भी गलत है. What happen if content violate this policy? जो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर policy violate होती है तो आपके पास YouTube एक email भेजेगा, warning भेजेगा first time. आपके channel को कोई penalty नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उसके rules को follow नहीं करिएगा और अगर 90 दिन में 3 strike आ जाएगी तो आपका channel terminate हो जाएगा. This is all about the fake policy. So if you like it, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel if you like it, and go to the community and answer on the poll and comment on the video and ask the question if any you have, so I can make a video on it. Thank you.